you all. I welcome you all again in our next session. Students, as you know, we are approaching our term 1 examination. बेटा हमारा टर्म 1 एग्जामिनेशन आ रहा है एंड आई होप आप सब उसकी प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे. ओके, सो हियर आर सम टिप्स. बेटा अभी मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी कि आपको आपकी एसएसटी की प्रिपरेशन करते वक्त किन सारी चीजों का ध्यान रखना है और कौन कौन सी ऐसी इम्पोर्टेंट चीजें हैं जिन्हें आपको जरूर पढ़ना है. ओके, सो हियर आर सम टिप्स. लर्न ऑल द फंडामेंटल टर्म्स, आंसर इन वन वर्ड एंड क्वेश्चन आंसर्स. बेटा हमारा जो पेन पेपर टेस्ट का सिलेबस है उसमें टोटली नंबर 5 चैप्टर्स आ रहे हैं. ओके, और आपको सारे चैप्टर्स के जितने भी फंडामेंटल टर्म्स बुक में दिए हैं या मैंने आपको एक्स्ट्रा जो भी नोट्स में दिए हैं उसे आपको जरूर लर्न करना है. उसके अलावा आंसर इन वन वर्ड और चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है. ओके बेटा, इसके अलावा बेटा रीड द चैप्टर्स. बेटा एज यू नो आपका जो टर्म 1 एग्जामिनेशन है उसके 3 पार्ट्स हैं जिसमें से आपका एक पार्ट है वाइवा का. ओके, बाकी क्वेश्चंस है बेटा वो सारे चैप्टर के बीच से भी पुट अप हो सकते हैं. सो इट इज वेरी नेसेसरी कि आप सभी चैप्टर्स को भी अच्छे से और प्रॉपरली रीड करें. चैप्टर रीड करते वक्त बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने अंडरलाइन कराई थी. ओके, या हाईलाइट करवाई थी, तो ऐसी सारी चीजों को आप जरूर पढ़िएगा और उसे प्रॉपरली लर्न करके रखिएगा. ओके, नेक्स्ट बेटा अगर हमने अपने एसएसटी के चैप्टर में किसी कंट्री या किसी स्टेट के बारे में पढ़ा है तो आपको उस कंट्री या स्टेट की कैपिटल, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ की एनिमल लाइफ, पीपल और वहाँ, और बेटा यदि वो कंट्री है तो वहाँ की जो इम्पोर्टेंट सिटीज हैं, ये सारी इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं बेटा, ये वन वर्ड आंसर्स की होती हैं, आपसे वाइवा में पूछी जा सकती हैं. तो आप इन सारी चीजों को अच्छे से प्रिपेयर करिएगा. ओके, चैप्टर रीड करते वक्त आप इन सारी चीजों का ध्यान रखिएगा. इसके अलावा बेटा आपके चैप्टर्स में बहुत सारे इम्पोर्टेंट टर्म्स होते हैं. ओके, तो आप उन इम्पोर्टेंट टर्म्स की डेफिनेशंस को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा. That will also included in your Viva. उसके अलावा बेटा जितने भी आपके पेन पेपर टेस्ट चैप्टर्स की एक्सरसाइजेस हैं, लाइक फिलअप्स है, ट्रू फॉल्स है, आंसर इन वन वर्ड है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मैच द फॉलोविंग है, ये सारी एक्सरसाइजेस आपको अच्छे से प्रॉपरली लर्न करके रखनी है. ओके बेटा, इसके अलावा आपने देखा होगा कि हम जैसे अपना चैप्टर फिनिश करते हैं वहां पर हमारा पॉइंट्स टू रिमेम्बर दिया रहता है जो पूरा चैप्टर से रिलेटेड होता है. ठीक है, सो डोंट फॉरगेट टू रीड द पॉइंट्स टू रिमेम्बर. बेटा अगर आप पॉइंट्स टू रिमेम्बर लर्न करते हैं और उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप चैप्टर की पूरी समरी अच्छे से समझ जाएंगे और उसे लर्न करके रखेंगे. आपके जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है और जो वाइवा के क्वेश्चन आंसर है बेटा, वो बेटा स्पेशली इन्हीं सारी चीजों से आएंगे. ओके, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा और आप सभी इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे. नाउ आई एम गोइंग टू टेक वन बाय वन योर ऑल चैप्टर्स. ओके, एंड वी विल डू अ क्विक रिवीजन ऑफ अवर पेन पेपर टेस्ट सिलेबस. ओके स्टूडेंट्स. ओके बेटा, तो जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है पेन पेपर टेस्ट का, दैट इज पैरेलल्स एंड मेरिडियन, अवर चैप्टर नंबर 2. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में आपको सबसे पहले ये लर्न करना है बेटा, व्हाट इज ग्लोब, देन व्हाट इज पैरेलल्स, व्हाट इज मेरिडियंस, इनके नंबर्स कितने होते हैं बेटा, और ग्लोब पर बेटा इनको किन किन नंबर से लेबल किया गया है. उसके बाद सबसे लॉन्गेस्ट मेरिडियन कौन सी होती है, सबसे लॉन्गेस्ट पैरेलल लाइंस कौन सी होती है. ठीक है, इक्वेटर क्या होता है, प्राइम मेरिडियन क्या होता है, इम्पॉर्टेंट पैरेलल लाइंस कौन कौन सी हैं और उनके नंबर क्या क्या हैं. इसके अलावा बेटा इस चैप्टर में हमने ग्रिड के बारे में पढ़ा था, इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में पढ़ा था. ओके, तो जितना मैंने अभी बोला है अगर आप इन पॉइंट्स को अच्छे से लर्न कर लेते हैं बेटा तो आपका ये चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, दैट इज अवर चैप्टर नंबर 4, मेजर लैंडफॉर्म्स. बेटा इसमें आपको लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं ये बताना होगा, ये आपको पता होना चाहिए, इसकी डेफिनेशन लर्न कर लीजिएगा, व्हाट इज लैंडफॉर्म. उसके अलावा बेटा लैंडफॉर्म्स कौन कौन से होते हैं, मेजर लैंडफॉर्म्स कौन कौन से हैं, आपको ये नाम लर्न करके रखना है, लाइक माउंटेन, प्लेट्यू, डेजर्ट, रिवर एंड प्लेन एरियाज. ओके, और आपको इनकी डेफिनेशन आपको पॉइंट्स टू रिमेम्बर में मिल जाएगी. इसके अलावा बेटा
प्लेटियों को हम टेबल लैंड कहते हैं, माउंटेन्स नेचुरल बैरियर्स के नाम से जाने जाते हैं। जो पीपल प्लेन एरियाज में रहते हैं उनका जो मेन ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर है। इसी तरह जो प्लेटियों में रहते हैं लोग उनका जो मेन ऑक्यूपेशन है डेट इज माइनिंग। तो बेटा ये छोटी छोटी चीजें हैं, बट आप अगर चैप्टर रीड करोगे तो आपको सारी चीजें चैप्टर में ही मिलेंगी। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जिन्हें आपको अच्छे से लर्न करके रखना है। इसके अलावा बेटा जब आप डेजर्ट एरिया देखेंगे तो इसमें मैंने आपको हॉटेस्ट डेजर्ट के बारे में पढ़ाया था, कोल्ड डेजर्ट के बारे में पढ़ाया था, सैंड ड्यून्स बताए थे क्या होता है। तो ये सारी चीजें बेटा आप लर्न करके रखिएगा। रिवर में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले फ्रेश वाटर का जो हमारे पास सोर्स है दैट इज रिवर। इसके अलावा जो रिवर होती है वो अपनी जर्नी 3 स्टेजेस में कंप्लीट करती है। रिवर अपनी किस जर्नी में डेल्टा बनाती है, किस जर्नी में बेटा वाटरफॉल्स क्रिएट करती है, ये सारी चीजें जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से मिल जाएंगे इसमें। ओके, नेक्स्ट हमारा चैप्टर है नेचुरल रिसोर्सेज। ये चैप्टर बेटा बहुत इजी है और आई होप आप सबने इसको अच्छे से प्रिपेयर किया होगा। इसमें हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज याद रखनी है व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज, देन टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और हम नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं। ओके, उसके अलावा आप कुछ एग्जांपल्स नेचुरल रिसोर्सेज के याद करके रखिएगा। ओके बेटा, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 7 द इक्वेटोरियल रीजन। बेटा इस चैप्टर में आपको ये याद करके रखना है कि जो इक्वेटोरियल रीजन है वो किस जोन में पड़ता है। अर्थ के हीट जोन के बारे में मैंने आपको बताया था, तो जो इक्वेटोरियल रीजन है बेटा वो किस जोन में है, टॉरिड जोन में है, टेम्परेट जोन में है या फ्रीज्ड जोन में है। आपको ये चीजें अच्छे से याद करके रखनी है। उसके अलावा इक्वेटोरियल रीजन में बेटा कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं आपको उनके नाम याद रखने हैं। इस चैप्टर में बेटा मैंने आपको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के बारे में बताया था, तो आपको ये याद होना चाहिए कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की लोकेशन क्या है, उसकी कैपिटल क्या है, वहाँ के जो पीपल है या लोग हैं इनहेबिटेंट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या है, क्लाइमेट कैसा है, यहाँ के लोग किस तरह के ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़ के रखनी है। अगर आप चैप्टर रीड करोगे बेटा तो आपको ये सारी चीजें आपके चैप्टर में ही मिल जाएंगी। ओके, नेक्स्ट हमारा जो लास्ट चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 13 नेचुरल डिजास्टर। तो सबसे पहले बेटा आपको नेचुरल डिजास्टर की डेफिनेशन लर्न करके रखनी है, देन नेचुरल डिजास्टर्स किस किस टाइप के होते हैं या उनके क्या क्या टाइप है, और उसके अलावा बेटा आपको फ्लड, वॉल्केनिक इरप्शन, ड्रॉट और हमने साइक्लोन के बारे में पढ़ा था। तो ये जितने भी नेचुरल डिजास्टर हमने इस चैप्टर में पढ़े थे सबके डेफिनेशन आपको लर्न करके रखनी है और एटलीस्ट दो दो प्रिकॉशन और प्रिवेंशन सबके याद करके रखने हैं, ठीक है, जिससे आपका ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा बेटा हमने जब वॉल्केनो पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था एपिसेंटर के बारे में, फोकस के बारे में, सिस्मोग्राफ के बारे में, रिचर स्केल के बारे में। तो ये सारी चीजें आपके बुक में ही हैं, आप इसे अच्छे से रीड करके लर्न कर लीजिएगा। ओके, सो अगर आपने ये सारी चीजें बेटा अच्छे से प्रिपेयर कर ली तो आपका SSC कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, और आप अच्छे से अपना एग्जाम दे पाओगे। सो बेटा गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन, डू प्रिपरेशन वेल और आप अपना एग्जाम अच्छे से दीजिएगा। ओके,